ओके मैं आज बात कर रहा हूँ कंपैरिजन टेस्ट की, क्लियर है? ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट में बच्चों इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देख लो आप क्या है, राइट? ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसा है, इफ समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बी टू इनफाइनाइट सीरीज, बट व्हाट बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, है ना? ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना आप, है ना, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इफ समेशन यू एन समेशन वी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, राइट, देन फर्स्ट पॉइंट में यू एन एंड वी एन विल बी कन्वर्जेंट, व्हाट विल बी कन्वर्जेंट। मैं थोड़ा सा इजी वाला स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है ना? यू एन एंड वी एन विल बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू अ फाइनाइट फिक्स्ड क्वांटिटी या फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन और वी एन में अप्लाई कर दूंगा लिमिट, तो अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव बट ऑब्वियस है ना, ये पॉजिटिव लिखा नहीं मैंने, लेकिन ये पॉजिटिव बट ऑब्वियस है क्योंकि ये यू एन और वी एन दोनों पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, राइट? तो जो रिजल्ट आएगा वो तो 100% पॉजिटिव आएगा, बस दिक्कत कहाँ पे है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना? तो दोनों के दोनों यू एन और वी एन क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे, ठीक है ना? दोनों के दोनों यू एन और वी एन क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे। और यही जो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंट के लिए भी हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मैं अब यहाँ पे हटा रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूँ कि अगेन समेशन यू एन एंड वी एन विल बी डाइवर्जेंट इफ द सेम थिंग हैपेंड, है ना? ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन मैं वापस यही बोल रहा हूँ क्या कि अगेन सेम थिंग हैपेंड। यही बात कन्वर्जेंट के लिए भी सही है और यही बात डाइवर्जेंट के लिए भी सही है ना? क्या सही है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन अपॉन वी एन क्या होना चाहिए, फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बात दोनों के लिए कि कन्वर्जेंट भी है और डाइवर्जेंट भी है, तब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो होना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये पूरा प्रोसेस जो है ना, वो वी एन के ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वी एन के ऊपर डिपेंड करता है। वी एन कन्वर्जेंट होगा तो यू एन अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा, वी एन डाइवर्जेंट होगा तो यू एन अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ा इसको और फर्दर मैं डिटेल आपको जानकारी देता हूँ इसकी, है ना, राइट? तो इसके लिए भी एक सिंपल सा टेस्ट आता है, दैट इज नोन एज पी सीरीज टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको अपन, पी सीरीज टेस्ट। यहाँ पे है पी टेस्ट बोल दो या पी सीरीज टेस्ट बोल दो, एक ही बात है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि द सीरीज वन अपॉन एन रेस टू द पावर पी, ये देखो समेशन लिख दिया, मतलब समेशन का ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएगा, इट इज फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट, है ना? ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं, समेशन भी लिख दिया तो आप समझ जाइए, ठीक है ना? तो ये जो सीरीज है ये पी सीरीज कहलाती है और ये सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, व्हाट विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस पी इज ग्रेटर देन वन। अगर यहां पे वन अपॉन एन की पावर पी में पी की जगह पे वन से बड़ी वैल्यू आ गई तो ये पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड इफ अगेन दिस विल बी डाइवर्जेंट, यहां पे लिख देता हूं, एंड विल बी डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन आर इक्वल टू वन। और यही कि यही पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी अगर यहां पे पी की वैल्यू क्या हो जाए, वन से छोटी या बराबर हो जाए। आप समझ लो, चाहे एग्जाम्पल के थ्रू किसी ने बोल दिया भैया ये दिस वन अपॉन एन स्क्वायर,
एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी? तो मेरा आंसर रहेगा विल बी कन्वर्जेंट. विल बी वॉट? कन्वर्जेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी की जगह पे टू है जो कि वन से बड़ा है, राइट? दूसरा, किसी ने बोल दिया कि तो ठीक है भैया ये कन्वर्जेंट है तो इसके बारे में क्या, एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट वन अपन एन रेस टू दी पावर हाफ के बारे में क्या, एन रेस टू दी पावर हाफ बोलो या वन अपन स्क्वायर रूट ऑफ एन बोलो, वन अपन स्क्वायर रूट ऑफ एन बोलो, ये सीरीज क्या हो जाएगी? दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट. ये क्या हो जाएगा? विल बी डाइवर्जेंट. क्यों डाइवर्जेंट हो जाएगी ये सीरीज? क्यों डाइवर्जेंट हो जाएगी बोलो? क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, जो पी है इट इज वन अपॉन टू विच इज लेस देन वन. ठीक है, तो ध्यान रखना, मतलब मेरा कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ये पी सीरीज कहलाती है. मेन पॉइंट है पी सीरीज है, यहां पे पी की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी. पी की वैल्यू वन से छोटी या बराबर होगी तो पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी. बात क्लियर है? अच्छा, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, इसका यूज क्या है, तो ये भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, है ना, कि इस पी सीरीज की जरूरत क्या पड़ी अपने को. तो पी सीरीज की एक्चुअली जरूरत पड़ती है वीएन को फॉर्म करने के लिए. किसको? हाउ टू फॉर्म वीएन. हाउ टू फॉर्म वीएन या हाउ टू जनरेट वीएन. ठीक है, तो वीएन को जनरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, वन अपॉन एन में, एन के पावर में, डिग्री में क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑफ यूएन. मतलब मुझे कोई भी सीरीज यूएन के फॉर्म में दी जाएगी, राइट, उस यूएन को मैं ढंग से ऑब्जर्व करूंगा और उस यूएन के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले है ना, यूएन में डिनोमिनेटर में एन के फॉर्म में डिग्री क्या है, एन का मैक्सिमम पावर क्या है, डिनोमिनेटर में एन का मैक्सिमम पावर क्या है उसको देख लूंगा मैं, और माइनस न्यूमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर था उसको, इन दोनों को घटा दूंगा और एन के पावर में चढ़ा दूंगा. ठीक है ना, तो जो भी मिलेगा मुझे दैट विल बी वी एन, दैट विल बी वी एन. क्लियर है? और वी एन निकालने के बाद ही हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन अपॉन वी एन करेंगे. दोनों केसेस में, चाहे सीरीज कन्वर्जेंट हो चाहे सीरीज डाइवर्जेंट हो, दोनों केसेस में लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट की वैल्यू यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, राइट, नॉन जीरो होनी चाहिए. ठीक है, दोनों केस में ये तो होना ही चाहिए. फिर हम वीएन को देखेंगे, अगर यहां पे पावर वन से बड़ा हुआ तो वीएन कन्वर्जेंट हो जाएगा, वीएन कन्वर्जेंट हो जाएगा तो यूएन ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा. यहां पे पावर देखेंगे, अगर वो पावर वन से छोटा है तो वीएन डाइवर्जेंट हो जाएगा, वीएन डाइवर्जेंट हो गया तो यूएन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा. है ना, पूरा कंक्लूजन ढंग से सुन लेना, अगर कोई डाउट रह गया हो तो अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी क्लियर. है ना, स्टेटमेंट तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, स्टेटमेंट इज नॉट अ मैटर, राइट. हम डायरेक्ट उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, उसमें जो भी डाउट है अपन देख लेते हैं. ओके, सो राइट डाउन द न्यूमेरिकल्स. हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स. ठीक है ना, ओके चलो बच्चों, तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन. ओके, लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दो फार्मूले की जरूरत अपने को बार बार पड़ेगी. एक फार्मूला है वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, ये बाइनोमियल एक्सपांशन कहलाता है. इसका फार्मूला क्या होता है, वन प्लस एन एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एन इन टू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है ना, इस फार्मूले की जरूरत बार बार पड़ेगी. दूसरा, अगर मैं बोलूँ वन प्लस एक्स रेस टू द पावर माइनस एन, तो ये फार्मूला वन माइनस एन एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल
x square minus dot dot so on. इस फार्मूले की भी जरूरत अपने को पड़ेगी. क्लियर है? राइट. चलो ओके. देख लो क्वेश्चन क्या है अपना. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एन इक्वल टू वन टू इन्फानाइट स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन माइनस एन. स्क्वायर रूट केवल इसे यहाँ पे लगाया, ठीक है ना. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखते से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो भी अंदर लिखा है एक्चुअली ये un है. पिछले लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था, ये जो भी लिखा रहता है ये सीरीज का nth टर्म होता है. राइट. तो सोल्यूशन में मेरे पास nth टर्म जो है वो क्या है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन. ये मेरी सीरीज का nth टर्म है, un है. राइट. un है. ओके. तो un को थोड़ा सा मैं और फर्दर सॉल्व करूं, तो un को सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, यहां पे ये हो जाएगा. यहां से n कॉमन ले लूंगा. राइट. एन स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन. ब्रैकेट क्लोज. ढंग से देख लो, एन इससे भी बाहर निकाल लिया, एन इससे भी बाहर निकाल लिया. एन निकाला तो क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर था वन, वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन. इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू एन. ब्रैकेट क्लोज. ये एक्चुअली क्या लिखा है, दिस इज वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर रेस टू द पावर वन अपॉन टू माइनस वन. अभी मैं un को ही सॉल्व कर रहा हूं, है ना. un से हम vn निकालेंगे, un से हम vn निकालेंगे. राइट. तो अब देखो ये थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो. इस एक्सप्रेशन में अगर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देता हूं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट, है ना. un को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने के बाद ही vn की बात करते हैं. तो दिस इंप्लाइज सिंपली un इक्वल टू n को निकाल लिया, ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर, वन प्लस एन एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर. और ये कंटिन्यू रहेगा, राइट, अप टू इनफाइनाइट. और बाद में क्या दिया है मेरे को, माइनस वन. तो ये बाद में माइनस वन हो जाएगा, है ना. यहां पे मैंने वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ओके. इसको थोड़ा सा मैंने ध्यान से देखा तो हियर वन एंड दिस वन गेट कैंसल, बचा क्या, एन वन अपॉन टू इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन अपॉन फोर या वन अपॉन एट बोल दो, इसको सॉल्व कर लेना, इंटू वन अपॉन क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, ठीक है, एन स्क्वायर का स्क्वायर होगा ये, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन की पावर फोर प्लस डॉट डॉट वन, है ना, वन प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब वन अपॉन एन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी वन अपॉन एन की पावर फोर, इसलिए ऐसा हो गया. क्लियर है? तो डायरेक्टली अब क्या करेंगे अपन इससे, वन अपॉन एन स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो एन अपॉन एन स्क्वायर क्या बचा, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एट वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वन. फाइनली मेरे पास क्या मिला, दिस इज वन अपॉन एन वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एट इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फाइनाइट. ओके. क्लियर है? ये एक्चुअली ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है. अगर कभी भी एक्सपांशन जैसा कुछ दिखे उसको एक्सपांड कर लेना. लास्ट में आपके यहाँ पे शुरू में बिल्कुल इनिशियली दिस जो भी बचता है याद रख लेना, ये वी एन है. ये थोड़ा छोटा सा ट्रिक मान लो या जो भी आपको समझना समझ लो, है ना. कभी भी एक्सपांड करना पड़े यूएन में, यूएन को कभी भी बाइनोमियल के थ्रू एक्सपांड करना पड़े तो आप एक्सपांड प्रॉपरली कर लो, और उसमें जो भी लीस्ट डिग्री टर्म कॉमन आया, देखो इसमें सभी में लीस्ट डिग्री टर्म क्या कॉमन आया था, अपान एन स्क्वायर आया था, एन से एन स्क्वायर कैंसिल होके वन अपान एन. तो ब्रैकेट के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी बचेगा वो हमारा वी एन होगा, ये याद रखना हमेशा, ये जो भी बचेगा दैट विल बी वी एन. ओके. तो कहने का मतलब अब हमारे पास वी एन क्या हो गया बच्चों, मैंने बोला था ना वी एन जनरेट करना पड़ेगा, हर स्थिति में आपको वी एन जनरेट करना पड़ेगा. सो हियर वी एन इक्वल टू वॉट, दिस इज वन अपॉन एन. अब यहां पे भूल जाओ, अभी इस वाले क्वेश्चन में भूल जाओ कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, हालांकि बात यहां पे भी वही है, लेकिन इस केसेस में ये थोड़ा ट्रिक ध्यान रख लेना, जो सबसे शुरू की वैल्यू होती है वही आपका वी एन का काम करता है. क्लियर है? ओके. सो हियर वी एन इक्वल टू वन अपॉन एन. तो वी एन अगर वन अपॉन एन है तो पी क्या है बच्चों, यहां पे पी वन है, क्योंकि देखो यहां पे एन में कुछ भी पावर नहीं, मतलब है ना ये वन पावर हो गया. राइट. तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या है यहां पे, हियर वी हैव, ठीक है, हियर वी हैव पी इक्वल टू वन. और
पूरी सीरीज क्या होगी अपनी vn, तो दिस इज 1/n सिंपल है. तो देयरफॉर दिस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? तो दिस इज अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un की पूरी वैल्यू रख दो जो थी तुम्हारे पास 1/n 1/2 माइनस दिस 1/8 इंटू 1/n स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट सो वन डिवाइडेड बाय vn क्या था अपने पास 1/n un अपन vn, un तो चल ही रहा था, vn मेरे पास से आया था, दोनों को डिवाइड कर दिया तो दिस दिस गेट कैंसल. अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो मैं अब यहां पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो क्या बचेगा, मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो क्या बचेगा, जितने भी आगे के n के टर्म्स हैं सभी के सभी क्या हो जाएगा 1/∞, मतलब जीरो हो जाएगा. यानी टोटल वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1/2. 1/2 क्या है, फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, ठीक है ना, अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, दिस इज अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर. तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन क्या आ गया, फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ गया. याद रखना बच्चों, आगे हम तभी बात करेंगे जब ये पूरी लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आई. अगर यहीं पे लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो नहीं आई, वहीं पे हम बोल देंगे कि टेस्ट फेल हो गया या सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, है ना, डायरेक्टली बोल देंगे. सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दोनों के होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कि दिस वैल्यू विल शुड बी फाइनाइट एंड नॉन जीरो. ओके, तो आगे चलते हैं. बट दिस समेशन वी एन, समेशन वी एन मतलब समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट. व्हाई दिस इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट क्यों है, क्योंकि सिंस हियर p इक्वल टू 1, p इक्वल टू क्या है 1, मैंने बोला था n इज लेस देन 1 होगा, p इज लेस देन 1 होगा, p इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी. तो यहां पे 1 हो गया, तो बाय p सीरीज vn इज व्हाट, डाइवर्जेंट, ये मैं लिख रहा हूं डाइवर्जेंट. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से देख लो, कुछ भी नहीं किया मैंने, आपको जो भी सीरीज दी गई है राइट, उसका nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकाल के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई कर लो, उसमें बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दो. बाइनोमियल एक्सपांशन में सबसे स्टार्टिंग में जो भी आएगा वो vn होगा राइट. इसके बाद आप लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn लगा दो. अगर वो वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आ गई, पॉजिटिव तो बट ऑब्वियस हो गई है ना, फाइनाइट और नॉन जीरो आ गई, तो आप vn को देख लो कि vn कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. अगर vn कन्वर्जेंट होगा तो un पूरी सीरीज अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर vn डाइवर्जेंट होगा तो पूरी सीरीज ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो जाएगी. मेरे केस में vn क्या था, vn लिखा है 1/n था समेशन में, और ये डाइवर्जेंट है क्योंकि n की पावर 1 है, तो p सीरीज से सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी. और अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरा जो un था वो ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो जाएगा. बात क्लियर है राइट, छोटा सा क्वेश्चन था है ना. इसके बाद एक दो और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इसके बेस्ड अपन उन पे डिस्कस करते हैं ना, ठीक है. ओके, सो राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता ही है बट थोड़ा डिफरेंट है. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस of series. Okay, square root of 1/2³ plus 2/3³ plus 3/4³ plus dot dot so on. है ना, बहुत सारे क्वेश्चन binomial expansion से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में binomial expansion करने की जरूरत नहीं होगी, है ना. ओके, लेकिन जो भी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें यूएन को समझना. यूएन मतलब क्या, यूएन मतलब nth टर्म ऑफ द सीरीज.
उसके लिए पिछले टेस्ट, पिछले क्वेश्चन, पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था पिछले लेक्चर में मैंने कि आपको थोड़ा एपीजीपी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, राइट। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं यूएन, यूएन मतलब इस सीरीज का एनर्थ टर्म, माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, कभी भी वन टू थ्री डॉट डॉट एन लिखा हो तो हमेशा आप समझ जाना कि उस पूरी सीरीज का एनर्थ टर्म क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या वन टू थ्री डॉट डॉट जो भी लिखा है उस सीरीज का हमेशा एनर्थ टर्म क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, राइट। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर किससे स्टार्ट हो रहा है, एक के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमेशा ध्यान रखना इस टाइप का जो सीरीज जनरेट होगा उसका एनर्थ टर्म एन प्लस वन होगा। क्या टू थ्री फोर इन सभी का एनर्थ टर्म क्या हो जाएगा, है ना, ये लिख देता हूँ साइड में, टू थ्री फोर का एनर्थ टर्म हमेशा एन प्लस वन, और अगर थ्री फोर फाइव है उसका एनर्थ टर्म एन प्लस टू, ये इस टाइप से फिक्स चीजें याद रख लो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू थ्री फोर की जगह एन प्लस वन, फिर देखो ये क्यू फिक्स है, थ्री 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 फिक्स है, तो यहाँ पावर थ्री हो गया, राइट। ध्यान से देख लो यूएन कैसे जनरेट किया अपन ने, यूएन कैसे जनरेट किया बच्चों, यूएन को जनरेट करने के लिए अपन ने सिंपल वन टू थ्री देख लिया, राइट, वन टू थ्री ऊपर देख लिया, उसका एनर्थ टर्म एन हो गया। इसके बाद नीचे अपन ने क्या देख लिया, टू थ्री फोर, उसका एनर्थ टर्म एन प्लस वन हो गया, और सिंस क्यूब फिक्स था सब जगह पे इसलिए यहाँ पे क्यूब आ गया। ओके, तो जैसे ही मुझे यूएन मिला, यूएन के बाद हम एनी हाउ वीएन को जनरेट करेंगे, राइट। यूएन के बाद हम किसको जनरेट करेंगे, वीएन। ओके, तो थोड़ा अगर तुम ध्यान से देखो इसको, तो एक्चुअली तुम्हारा यूएन क्या लिखा है, यूएन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखता हूं, ये एन की पावर हाफ डिवाइडेड बाय एन प्लस वन रेस टू द पावर थ्री बाय टू लिख सकता हूं कैसा, क्योंकि ये पूरे में स्क्वायर रूट है, पूरे में स्क्वायर रूट है, मतलब आप समझ सकते हो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली एन अपान एन प्लस वन का होल क्यूब रेस टू द पावर वन अपान टू, ये इस टाइप से लिखा था, है ना। तो इसको मैंने और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या कर दिया, एन की पावर वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन रेस टू द पावर थ्री बाय टू, अलग अलग लिख दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीएन कैसे जनरेट करेंगे अपन, वीएन के लिए मैंने क्या बताया था, तो वीएन के लिए मैंने बताया था एक तो सबसे पहले वन अपॉन एन, बिना कुछ सोचे मैंने वन अपॉन एन लिख दिया, राइट। अब वन अपॉन एन लिखने के बाद मैं किसकी बात करूंगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो थोड़ा और इसको अगर ढंग से देखो, इसको और क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ एन की पावर वन अपान टू, और एन की पावर थ्री बाय टू को कॉमन ले लूँ तो वन प्लस वन अपान एन की पावर थ्री बाय टू। हमेशा याद रखना डिग्री केवल इंटीजर्स की होती है, इंटीजर के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में वैल्यू है तभी उसकी डिग्री डिफाइंड होगी, है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, थ्री बाय टू है, डिनोमिनेटर की डिग्री ये जो बाहर आया नंबर वही उसी का पावर इसकी डिग्री हो जाएगी, तो थ्री बाय टू डिनोमिनेटर की डिग्री हो जाएगी, और वन अपॉन टू किसकी डिग्री हो जाएगी, न्यूमरेटर की डिग्री हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया, ये डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी थ्री बाय टू माइनस वन अपॉन टू, तो टोटल कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन रेस टू दी पावर कितना, टू बाय टू, मतलब वापस कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन की पावर वन। तो ब्रैकेट में लिख लेता हूं हियर पी इक्वल टू वन, यहां पे क्या हो जाएगा, हियर पी की वैल्यू जो है वो वन हो गई, है ना, क्योंकि एन के पावर में कितना आ गया, वन। तो अगर लिमिट बात मतलब यहां से क्लियर हो गई कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन की वैल्यू फाइनाइट आ गई तो ये सीरीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि वीएन ने इंडिकेट कर दिया, ये वीएन ने इंडिकेट कर दिया कि ये अपना सीरीज का नेचर क्या है, ये डाइवर्जेंट की तरफ जा रहा है, क्लियर है। ओके, देख लेते अपन, सो हियर अगेन दिस इंप्लाइज लिमिट नाउ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन, राइट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन की बात कर रहा हूं। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन में क्या हो जाएगा बच्चों, तो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यूएन की वैल्यू क्या है, यूएन की वैल्यू पूरी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, यूएन की वैल्यू ये पूरी लिख दो आप, ठीक है, या ये लिख दो पूरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, एन रेस टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाय एन रेस टू दी पावर थ्री बाय टू इंटू वन प्लस वन अपॉन एन रेस टू दी पावर थ्री बाय टू, ये यूएन हुआ होल डिवाइडेड बाय वीएन, वीएन कितना है बच्चों, वन अपॉन एन,
यूएन अपॉन वीएन करेंगे हम, एनी केस में यूएन अपॉन वीएन करना है, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट, वन अपॉन एन ब्रैकेट में वन वन प्लस वन अपॉन एन रेस टू द पावर थ्री बाय टू होल डिवाइडेड बाय वन अपॉन एन, है ना। इसको और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये नीचे आके एन जनरेट कर देगा, दिस दिस गेट कैंसल, अगेन अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस जीरो मतलब वन, वन क्या आ गया, अ फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, है ना, ये याद रखने वाली बात है, अ फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, फाइनाइट आ गया मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू फाइनाइट आ गई, फाइनाइट आ गई तो अब हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट की बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात कर सकते हैं। तो मैं आगे लिख रहा हूं, बट दिस समेशन वी एन, मतलब समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वी एन, ऐसा भी बोल दो, यानी समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन इज डाइवर्जेंट, इज वॉट डाइवर्जेंट, क्यों है डाइवर्जेंट, सिंस पी इक्वल टू वन, पी जो था वन, मतलब इसका पावर जो था, पी स्टैंड फॉर पावर, पावर जो था वन था, ठीक है, इसलिए पी टेस्ट सीरीज से क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट होगा, तो देयर फोर बाय कंपेरिजन टेस्ट, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज इज वॉट डाइवर्जेंट। देखो इसमें मैंने एक्सपांड करने की कोई जरूरत नहीं फील किया, मैंने डायरेक्ट यूएन जो मुझे दिया था, यूएन से एनी हाउ वीएन जनरेट करना है, वीएन को जनरेट करते समय केवल एक ही बात दिमाग में रखना है कि वीएन बराबर क्या, पहले तो वन अपान एन लिख देना अपने को, वन अपान एन लिखने के बाद हमें यूएन के अंदर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखना है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बोलो या डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोलो, वो हमेशा शुरुआत उसकी वन अपान एन से होती है, ध्यान रखना, यहाँ एन जो होगा एन कंप्लीट नंबर होगा, राइट, एन कंप्लीट फॉर्म में होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे जो भी डिनोमिनेटर पूरे यूएन के एक्सप्रेशन में, और यहाँ पे माने डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लिख देंगे, ठीक है। ऐसा करने से वीएन जनरेट हो जाएगा, वीएन जनरेट होते से ही हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन कर देंगे, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आ गई देन ओनली हम आगे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात करेंगे, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट यहीं पे आ गई तो यहीं पे हम बोल देंगे कि वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना, यहीं पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आना जरूरी है, फाइनाइट नॉन जीरो आ गई देन ओनली हम वीएन को देखेंगे, और वीएन अगर डाइवर्जेंट है तो पूरा का पूरा सीरीज यूएन ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो जाएगा, बात क्लियर है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और देख लेते अपन, ठीक है। ओके, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, टेस्ट ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है ना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, दिस इज वन अपॉन वन टू थ्री प्लस थ्री अपॉन टू थ्री फोर प्लस फाइव अपॉन थ्री फोर फाइव प्लस डॉट डॉट शू वन, है ना, सीरीज किसी भी टाइप से लिखी जा सकती है, इस बार सीरीज इस तरीके से लिखा उसने, है ना, वापस देख लो सीरीज क्या है, दिस इज वन अपॉन वन टू थ्री, वन इंटू टू इंटू थ्री, राइट, प्लस थ्री अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस फाइव अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, है ना, इस बार इस टाइप की सीरीज लिखी गई अपने पास, है ना। मैंने क्या बोला था, सबसे पहला काम क्या हमारा, यूएन जनरेट करना, यूएन जनरेट करना मतलब nth टर्म जनरेट करना, और nth टर्म को जनरेट करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, एपी और जीपी का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, ये थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूं मैं यहां पे, राइट, रफ वर्क में वन थ्री और फाइव का nth टर्म क्या होगा बच्चों, अगर किसी ने बोल दिया कि इसका वन थ्री फाइव डॉट डॉट सो वन का nth टर्म जनरेट करो, कैसे जनरेट करोगे, एनएटम का फार्मूला अगर आपको याद होगा, एनएटम का फार्मूला क्या पढ़ा था अपन ने एपीजीपी में, ए प्लस
n माइनस वन इन टू डी, ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, राइट। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का, मेरे पास फर्स्ट टर्म है वन, एन टर्म निकाल ही रहे हैं तो एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है टू, बोलो देख लो इधर, थ्री माइनस वन फाइव माइनस थ्री टू, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज वन प्लस टू एन माइनस टू, मतलब कितना हो जाएगा टू एन माइनस वन, कितना हो जाएगा टू एन माइनस वन, है ना, बड़े शब्दों में लिखना हो तो बड़े शब्दों में वन प्लस टू एन होगा, ठीक है, वन प्लस टू एन माइनस टू हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये टू एन माइनस वन के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर जो मुझे समझ में आई बात कि वन थ्री फाइव, इसका nth टर्म तो टू एन माइनस वन है, क्लियर है। नीचे की बात करो, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, वन टू थ्री, वन टू थ्री का nth टर्म अभी मैंने बताया, कभी वन टू थ्री डॉट डॉट सो ऑन मिले उसका nth टर्म n हो जाएगा, कभी भी टू थ्री फोर डॉट डॉट सो ऑन मिले उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, हमेशा n प्लस वन हो जाएगा, और इसी तरीके से कभी भी थ्री फोर फाइव डॉट डॉट सो ऑन मिले तो उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस टू। अब मैं पूरी बात को कंपाइल कर दूं, मेरे ये पूरी बात को है ना, ये रफ वर्क था, इस पूरी बात को मैं यहां पे लिख दूं तो मेरे सीरीज का जो nth टर्म है, मतलब सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, राइट। तो मेरा जो nth टर्म है क्या हो जाएगा, टोटल nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर कितना मिला 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, है ना। दो मिनट ध्यान से देख लो, मैं रुका हूं, राइट। दोबारा बोल रहा हूं, क्या था, वन थ्री फाइव डॉट डॉट, उसका nth टर्म हमने निकाला टू एन माइनस वन, इसके बाद यहां पे क्या था, वन टू थ्री, है ना, ऐसा देखना अपने को, वन टू थ्री, ऐसा नहीं देखना कि वन टू थ्री, राइट, इस वन टू थ्री को नहीं देखना, सीरीज की बात करें तो वन टू थ्री देखना है, वन टू थ्री का nth टर्म कभी भी वन टू थ्री लिखा है उसका nth टर्म बाय डिफॉल्ट हमेशा n होगा, ये ध्यान रखिए। आप निकाल भी सकते हो उसको एपीजीपी से, एपीजीपी से निकालना हो तो फर्स्ट टर्म वन हो जाएगा, एन माइनस वन, वन टू का कॉमन डिफरेंस वन हो जाएगा, तो कितना वन प्लस एन माइनस वन गेट कैंसल एन, राइट। तो इसको तुम याद ही रख लो कि कभी भी वन टू थ्री दिखा उसका एन टर्म एन, टू थ्री फोर दिखा उसका एन टर्म एन प्लस वन, और थ्री फोर फाइव दिखा तो उसका एन टर्म हमेशा क्या हो जाएगा, एन प्लस टू। तो इन सभी बातों को मैंने मिला दिया तो मेरे इस पूरे सीरीज जो एक्सप्रेशन लिखा है, इस सीरीज का मेन nth टर्म क्या आ गया, ये आ गया, क्लियर है। और जैसे un जनरेट हो गया, un जनरेट होने के बाद हम किसकी बात करेंगे, vn की बात करेंगे, राइट। vn कैसे निकालेंगे अपन, तो ध्यान से देखना, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन आप भी आप निकाल सकते हो तो देख लो, vn का मतलब मैंने क्या बताया, vn का मतलब un के अंदर, un के अंदर क्या, पहले तो वन अपान एन कर देंगे, वन अपान एन करने के बाद यहां पर क्या लिखेंगे, un के अंदर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है और माइनस न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है। ये देखो यूएन है, यूएन के अंदर डिनोमिनेटर की मैक्सिमम डिग्री देखो बच्चों वन वन वन, या तो एन को आप कंप्लीट बाहर निकालोगे, एन को कंप्लीट बाहर निकालोगे, दो मिनट थोड़ा और देख लो भले से ही, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिख सकते हो, एन को ऊपर से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एन को ऊपर से बाहर निकाला तो टू माइनस वन अपान एन हो जाएगा, एन 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 को कॉमन ले लिया नीचे से तो एन क्यूब हो जाएगा, क्या बचा ये वन प्लस वन अपान एन, और ये क्या बचा वन प्लस टू अपान एन, इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा टू माइनस वन अपान एन, यहां पे एन स्क्वायर बचेगा वन प्लस वन अपान एन इंटू वन प्लस टू अपान एन, ठीक है। देख लो एन को ऊपर से बाहर निकाल लिया, न्यूमरेटर से निकाल लिया, डिनोमिनेटर से निकाल लिया, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन बचा मेरे पास, यहां पे बचा कितना टू, राइट। इसी को मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देख लो, है ना, ये तुमको समझने के लिए है, हम इसको क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ वी एन में वन अपान एन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो टोटल डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी थी थ्री, राइट, तो ये थ्री हो गया, और न्यूमरेटर की डिग्री थी वन, तो थ्री माइनस वन मतलब वन अपान एन स्क्वायर, देखो ये वही आ गया, है ना, वन अपान एन स्क्वायर, चाहे सिंप्लीफाई करके देख लो चाहे ऐसा करके देख लो। और यहां पे p क्या है, तो हियर p इज इक्वल टू टू विच इज ग्रेटर देन वन, p की वैल्यू क्या है टू, जो कि वन से बड़ी है, क्लियर है, राइट। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में, जब तक कि मुझे यह बात पता ना चल जाए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un अपॉन vn की वैल्यू फाइनाइट होगी, राइट। ओके, सो अगेन
तो नाउ अगेन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन, ठीक है. तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन में क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यू एन की वैल्यू लिख दो. यू एन की वैल्यू क्या थी बच्चों, प्रॉपर मैनर में लिख दो यू एन की वैल्यू क्या थी. देखो अभी मैं नीचे वाला इंफॉर्मेशन यूज करूंगा, ये था 2 माइनस 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एन, है ना. देखो अब तुम्हारे सामने यू एन को सिंप्लीफाई किया था मैं यहाँ पे लाया था, ठीक है ना. क्या 2 माइनस 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एन, ठीक है. और फिर आगे क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाय वी एन. तो वी एन क्या था बच्चों मेरे पास, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एन स्क्वायर. वी एन क्या था देखो, डिवाइडेड बाय, है ना. तो यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू, तो यहां से 1 अपॉन एन स्क्वायर और 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये 1 अपॉन एन स्क्वायर है, ये गेट कैंसिल, ठीक है. 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर को मैंने इस पोर्शन को और इस पोर्शन को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया. तो बचा क्या मेरे पास टोटल. सो दिस सिंपली इंप्लाइड, ओके, दिस सिंपली इंप्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या बचा मेरे पास, 2 माइनस 1 अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एन. लिमिट अप्लाई कर दो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है. तो टोटल कितना बच जाएगा, 2 अपॉन 1 यानी 2. 2 क्या है, 2 क्या है बच्चों, अ फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, राइट, फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी. अच्छा, बट समेशन वी एन, समेशन वी एन मतलब क्या, दिस समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट. व्हाई दिस, क्योंकि यहां पे पी जो है इस बार, है ना, 1 अपॉन एन स्क्वायर में, है ना, पी की जगह पे क्या है, 2 है. सिंस हियर पी इट इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो बाय पी टेस्ट क्या हो गया, तुम्हारा वी एन जो है वो कन्वर्जेंट हो गया. और जैसे ही वी एन कन्वर्जेंट हो गया, वी एन कन्वर्जेंट हो गया, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट और सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट, लिख देता हूं मैं, ठीक है. तो वी एन तो कन्वर्जेंट है, राइट, क्योंकि पी यहां पे 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है. सो बाय कंपेरिजन टेस्ट, सो अगेन बाय कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है. कंपेरिजन टेस्ट से पूरी सीरीज क्या हो गई मेरी, कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है. आप आराम से ध्यान से देख लो चीजों को, जल्दी करने की जरूरत नहीं है ना. यू एन दिया है, यू एन से हम वी एन जनरेट करेंगे, फिर पी देखेंगे, है ना, पी जो भी आए, ठीक है. अभी रुक जाएंगे हम तब तक बात नहीं कर सकते जब तक कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो नंबर ना जाए, पॉजिटिव अपने आप होगी, क्योंकि यू एन और वी एन हम पॉजिटिव सीरीज ले रहे हैं, क्लियर है. तो जब लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो हम पी को देखेंगे. अगर पी 1 से बड़ा है वी एन के अंदर, तो वी एन कन्वर्जेंट हो जाएगा, और वी एन कन्वर्जेंट हो जाएगा तो यू एन ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना. और अगर वी एन में पी की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर हो गई, तो वी एन डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर वी एन डाइवर्जेंट हो गया, तो अगेन बाय कंपेरिजन टेस्ट यू एन ऑटोमेटिकली विल बी डाइवर्जेंट, ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद, है ना, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन क्लोज कर देंगे क्लास, ठीक है ना. ओके, राइट. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अगेन टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, है ना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट साइन ऑफ 1 अपॉन एन. इस बार क्या लिख दिया, एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट साइन ऑफ 1 अपॉन एन, ठीक है.
इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइन एक्स का एक्सपांशन फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, मैकलॉरिन सीरीज एक्सपांशन, वहां पे साइन एक्स का एक्सपांशन आपने क्या पढ़ा था बच्चों, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट सो ऑन, है ना। साइन एक्स हमेशा ऑड फंक्शन कहलाता है और इसीलिए इसका एक्सपांशन ऑड एक्स के ऑड डिग्री टर्म में होता है, राइट। तो याद रखो, खैर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं अभी, तो आप फिलहाल इस बात को ध्यान में रखो कि साइन एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट सो ऑन। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम un की बात करते हैं। un क्या है मेरे पास बच्चों, साइन 1/n। un की वैल्यू क्या है, साइन 1/n। साइन 1/n को हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके, 1/n माइनस 1/n का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n रेस टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, मैंने बताया था जब इस टाइप का थोड़ा सा सीरीज के फॉर्म में चीजें आए, है ना, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि वो कॉमन वाला टर्म n के फॉर्म में कॉमन क्या दिख रहा है उस कॉमन टर्म को हम सेपरेटली बाहर निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, 1/n यहाँ पे भी है, 1/n यहाँ पे भी है, 1/n यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ पे 1/n को बाहर निकाल लेता हूँ, तो दिस विल बी व्हाट, 1/n, 1/n बाहर आ गया, तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा 1 माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट सो ऑन। और मैंने बोला था ये जो कॉर्नर में बच जाएगा इस केस में ऑटोमेटिकली वी एन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो आप, तो हियर आर वी एन इज वॉट, ऑटोमेटिकली 1/n। वी एन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो लीस्ट डिग्री टर्म बचेगा लेफ्ट में कॉमन लेने के बाद, वही हमारा वी एन हो जाएगा, ठीक है। और vn इक्वल टू अपने पास कितना है, 1/n हो गया, तो 1/n में जैसे ही मुझे 1/n दिखा वैसे मुझे समझ में आ गया कि मेरा p तो क्या है, 1 है, 1/n की पावर p, राइट। अच्छा, अब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हम बात करेंगे कब, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn की वैल्यू हमारे पास है। तो नाउ अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un/vn, तो un/vn में क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, un की जगह पे पूरा एक्सप्रेशन रख दो, un की जगह पे पूरा एक्सप्रेशन क्या, तो दिस इज 1/n पूरा जो भी है, 1 माइनस डायरेक्ट लिख दो 1/3 फैक्टोरियल इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू एन की पावर 4 डॉट डॉट सो ऑन होल डिवाइडेड बाय 1/n, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं लिख दिया जगह, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1/n, राइट, पूरा 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू एन स्क्वायर 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है, और अपॉन vn, vn की जगह 1/n, दिस 1/n एंड दिस 1/n गेट कैंसिल, दिस 1/n एंड दिस 1/n गेट कैंसिल, एंड अप्लाइंग द लिमिट हियर, लिमिट अप्लाई कर दो अब इसमें, ये तो कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो इसके आगे की पूरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1/∞ क्या होता है, जीरो, तो इसके आगे की पूरी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, मतलब रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे वैल्यू क्या मिली मुझे, तो दिस सिंपली इंप्लाइज से लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/vn की वैल्यू क्या आ गई, 1, 1 अगेन क्या है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है, एंड नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो, ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/vn क्या है, फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, ओके, बट वॉट, बट समेसन वी एन हियर इज वॉट, समेसन 1/n इज डाइवर्जेंट, इज वॉट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्यों बच्चों, क्योंकि मेरे पास p की वैल्यू 1 है, सो अगेन बाय कंपेरिजन टेस्ट अवर सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, सो अगेन बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, ये पूरा आज का है ना,
ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा छोटे से में ही मैंने समझाया है, आप देख लेना, भले बुक उठा के इसका स्टेटमेंट पढ़ लेना। यूएन और वीएन दो सीरीज है एक्चुअली, वीएन तो हम हमेशा जनरेट करते हैं, सीरीज तो आपको हमेशा यूएन के फॉर्म में दी जाएगी इस, लेकिन कंपेरिजन टेस्ट को उसने पूरा आपको समझाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है कि यूएन और वीएन दो सीरीज हैं, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज हैं, दोनों कन्वर्जेंट होंगी, एक साथ ही कन्वर्जेंट होंगी और एक साथ ही डाइवर्जेंट होंगी। कन्वर्जेंट होंगी लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन की वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो आ जाए, डाइवर्जेंट भी होंगी कब, जब लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन की वैल्यू क्या हो जाए, फाइनाइट और नॉन जीरो हो जाए, दोनों का सेम स्टेटमेंट है। तो इसीलिए मैं वीएन पे फोकस करता हूँ, वीएन डाइवर्जेंट होगा तो यूएन ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही बोल रहा है कि दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगी, दोनों या एक साथ डाइवर्जेंट होंगी। तो आपको यूएन दिया जाएगा हमेशा, यूएन से आपको वीएन जनरेट करना है और वीएन को आपको नोटिस कर लेना है, वीएन हमेशा वन अपान एन की पावर पी के फॉर्म में होगा, पी की वैल्यू वन से बड़ी है तो वीएन कन्वर्जेंट हो जाएगा, पी की वैल्यू वन से छोटी या बराबर है तो वीएन डाइवर्जेंट हो जाएगा, पी वीएन कन्वर्जेंट है तो यू अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा, वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।